तो हेलो गाइस, हम लोग अभी आ गए हैं गिरौदपुरी धाम में। जय सतनाम। गिरौदपुरी धाम बिलासपुर से 80 किलोमीटर और लौदा बाजार से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये महानदी और जोग नदी के संगम पर स्थित है। तो ये है गाइस दुनिया का सबसे बड़ा जैत खाम गिरौदपुरी में, और नीचे वाला ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है इसमें वाटर पूल। अभी तो सूखा है, लेकिन चलो नज़दीक से दीदार करते हैं। इसका हाइट जो है 77 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार का हाइट 72.5 मीटर है। इसका निर्माण सन 2008 से 2012 के मध्य हुआ है, और डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया है। मित्रों, इसका डिजाइन जो है IIT रुड़की के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन इसका तैयार किया गया है। मित्रों, यहाँ पर सरगुजा से डांस ग्रुप आए हुए हैं, पंथी नृत्य वाले। तो चलो थोड़ा समय आपको दिखाता हूँ उनका नृत्य जो है। पंथी नृत्य का शूटिंग चल रहा है यहाँ पर। पंथी नृत्य का शूटिंग देखो। तो चलते हैं भाई जैत खाम के अंदर में। सीढ़ियाँ बना हुआ है, ऊपर चलते हैं अगर परमिशन हो तो। तो गाइस, हम लोग अभी गलत टाइम में पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है। नहीं तो हम लोग पूरा ऊपर चढ़कर बताते। अंदर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, अंदर से दो तरफ से रास्ते हैं। 435 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दोनों ओर। तो देखो, बहुत ही इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है ये। विश्व का सबसे बड़ा जैत खाम। मैं पहले और आ चुका हूँ इधर। जब मैं पहले आया था तो उस समय अंदर जाना अलाउड था इसके, तो मैं ऊपर गया था पूरा। बहुत ही मज़ा आता है ऊपर जाने से, लेकिन अभी COVID-19 के वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो देखो भाई, इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है ये। देखो अंदर में बहुत सारा कांच लगा हुआ है, शीशा वगैरह। बाहर से ही देख लो भाई, क्योंकि कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से तो ऊपर जाना अलाउड नहीं है। और एक चीज़ और है कि इसमें बनाने में 50 करोड़ का लागत लगा है।
देखिए, बहुत ही गजब का इंजीनियरिंग है इसमें। जयपुर के जंतर मंतर की तरह इसमें डिजाइन दिया गया है। और ये मैडम लोग का सेल्फी चल रहा है इधर। इस जात खाम का एक और खासियत है कि इसको अग्निरोधी और भूकंपरोधी बनाया गया है। बस एक ही चीज़ का दुख हुआ कि ऊपर चढ़ना भी अलाउड नहीं है।